भारत के हावड़ा ब्रिज, विद्यासागर सेतु, महात्मा गांधी सेतु, गोदावरी आर्क ब्रिज जैसे कई फेमस ब्रिजेस के नाम तो आपने सुना ही होगा। हो सकता है आपने इनमें से कई जगहों पर विजिट भी किए होंगे, लेकिन क्या आपने कभी जीते जागते ब्रिज पर चला है? दरअसल मेघालय के चेरापुंजी में ऐसे जीते जागते ब्रिज मौजूद हैं, जिन्हें लिविंग रूट ब्रिजेस कहा जाता है। जी हाँ, ये खास तरह से गाइड किए गए ब्रिज होते हैं जो बेहद मजबूत, खूबसूरत और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। जोहार, मैं हूँ नेहा बेदिया और मैं चाहूँगी कि आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ट्राइबल खबर को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो इंटरेस्टिंग है इसलिए इसे पूरा देखें और पसंद आए तो लाइक शेयर कर कमेंट भी करें। लिविंग रूट ब्रिजेस की बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि इतने अनोखे ब्रिज को आखिर बनाने वाले कौन हो सकते हैं। तो बता दें कि इन्हें कोई और नहीं बल्कि प्रकृति की सही समझ रखने वाले आदिवासियों ने बनाया है। मेघालय के खासी और जयंतिया आदिवासियों ने करीब 200 साल पहले जंगल के बीच बहने वाले नदी नालों के ऊपर से जाने के लिए पुल बनाने की सोची। उन्होंने रबड़ के पेड़ों की विशेष प्रजाति के जड़ों को आपस में उलझाते हुए एक छोर से दूसरी ओर बढ़ने के लिए गाइड किया। जब तक कि पुल पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाता, तब तक उनकी सही देखभाल और बांस आदि प्राकृतिक चीजों के ढांचे व खंभे से उन्हें सहयोग की आवश्यकता होती है। एक पुल को तैयार होने में लगभग 10 से 15 साल लग जाते हैं और यह 500 साल तक चल सकते हैं। है ना यह कमाल की बात? आपको बता दें कि मेघालय अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, जिसमें खासी और जयंतिया आदिवासियों की लिविंग रूट ब्रिजेस चार चांद लगाते हैं। इतना ही नहीं, यूनेस्को द्वारा इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक बताया गया है। तो यदि आप खूबसूरत प्राकृतिक जगहों में घूमने के शौकीन हैं तो मेघालय के डबल डेकर और सिंगल डेकर रूट ब्रिजेस को अपनी ट्रैवल लिस्ट में जरूर रखें। आदिवासियों के इस अद्भुत व खूबसूरत संरचना को देखकर आप हैरान रह जाएंगे।